ओम शांति। आप सबको स्वागत है आज के आपके ईश्वर वरदान में। और सीख द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन के यूट्यूब चैनल पर भी आप ये सुन सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी अगर आपको ये ऑडियोज मिल रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी इनको सुन पा रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा, आज 2 अप्रैल नववर्ष शुरू हो चुका है भारत के हिसाब से। नववर्ष गुड़ी पाड़वा भी कहीं पर मनाया जा रहा होगा, और नववर्ष शुरू हो चुका है आपके कैलेंडर के हिसाब से, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से। आप सबको उसकी शुभकामनाएं। और नवरात्र भी शुरू हो चुके हैं, तो नवरात्र में पवित्र खाइएगा, पवित्र सोचिएगा, लहसुन प्याज मीट मांस मत खाइएगा। तो देखें परमपिता परमात्मा कहते हैं आज की शुरुआत में, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भवा। अपनी चेकिंग करनी है कि क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले, पापों को जो हमारे जीवन में बोझ बन चुका है, जिसे हम बोझ फील करते हैं, तो उसको समाप्त करने का समय आ गया। अगर आपसे कुछ हो गया हो पहले, एक दिन पहले, आज आप उठे हैं, आपका एक नया जन्म है, नया दिन है, आप पिछले पापों के बोझ को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसको आप उतारने का समय आ गया है। परमात्मा कहते हैं यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी, आप ब्रह्म कुमारीज में जा रहे हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, आप किसी बिजनेस सेंटर में जा रहे हैं, आप अपने फैमिली में हैं, कोई किसी के बारे में गलत बोल रहा है, गलत सोच रहा है, चाहे ब्रह्म कुमारीज में भी हो, चाहे आपके मस्जिद में हो, चाहे आपके आपके चर्च में कोई किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा हो, चाहे आप अपने जा रहे हैं गुरुद्वारे में जा रहे हैं, कोई किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा हो, वो ऐसा है, आप अगर वो चीजें सुन रहे हैं तो परमात्मा कहते हैं उसका मतलब क्या होता है। देखें जरा, बाबा कहते हैं सुनी और उससे वायुमंडल में फैलाई। अगर आपने किसी की बात सुनी, अरे उसने उसके बारे में बताया, उसने पता है ये कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने हाई इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, अरे वो तो संत जी उन्होंने ऐसे कर दिया, अरे वो तो बाबा जी उन्होंने ऐसे कर दिया, अरे वो तो फादर हैं, वो तो सिस्टर हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया है चर्च के, ये चीज अगर आपने फैलाई तो क्या होता है। परमात्मा कहते हैं सुनकर दिल में समाना नहीं तो यह व्यर्थ बातों का फैलाव करना, यह भी पाप का अंश है। एक तो आपने सुना, फिर फैलाया, आप पापी आत्मा बन गए। किसी की बुराइयां सुनी, किसी की बुराइयां फैलाई, आप पापी आत्मा बन गए। ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। उड़ती कला मतलब कि हम लाइट होकर के परमात्मा से जुड़े, ये आप कर नहीं पाएंगे इसके बाद में। क्यों? आप बोझा ले लिया आपने, चटपटी बातें, बर्गर खा लिया आपने, बातों का बर्गर खा लिया, बातों की चाट खा ली, बातों की चटनी खा ली, बातों की तीखी तीखी मीठी बातें आपने खा ली। तो जब हम कोई ऑयली चीज खा लेते हैं, है ना, चटपटी ऑयली चीज खा लेते हैं, तो पूरा दिन भर कैसा होता है, आलस्य लगता है, बहुत ही आलस्यपन, अलबेलापन आता है। ऐसी औरों की बातें सुन ली, चटपटी बातें, उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, इस संस्था में क्या हो रहा है, चटपटी बातें सुन ली, अरे वो इतना ऐसे कर रहा है, 30 साल से वो ज्ञान में चल रहा है, वो तो पंडित जी हैं, पंडित जी ऐसे कर रहे हैं, अरे वो तो ब्रह्म कुमार है, ब्रह्म कुमारी ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, अरे ब्रह्म कुमार होकर के ऐसे हैं ये लोग। ये चटपटी बातें सुनी और औरों को बताई अगर आपने, तो आप भी क्या बन जाओगे, पाप आत्मा बन जाओगे। ये काम केवल परमात्मा का है। परमात्मा कहते हैं मैं भी तुम्हें जज नहीं करता हूँ, हाँ अंत में जज होते हो तुम, लेकिन अभी तुम्हें जज नहीं करता हूँ, अभी मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। लेकिन ये करते हुए भी कयामत के समय, लास्ट के समय, महाकाल के समय अगर तुम सुधरे नहीं, तब तुम्हारी जजमेंट होती है। तो हम कौन हुए जज करने वाले, हम तो भगवान नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं छोटे छोटे पाप उड़ती कला का के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। कुछ लोग ब्रह्म कुमारी में बोलते हैं हमारा मेडिटेशन नहीं होता है, हमारा मन नहीं लगता है। अरे ये बातें करना छोड़ो, चटपटी बातें सुनना छोड़ो, चटपटी बातें करना छोड़ो, औरों की बुराइयां फैलाना छोड़ो, तब जाकर के क्या होगा, आपका मेडिटेशन होगा। नहीं तो अगर आपने ये चटपटी चीजें खा ली, मन का भोजन, ये भी क्या है, मन का बुद्धि का चटपटा भोजन है, खा लिया तो जैसे शरीर में बहुत चटपटा खा लिया और बहुत तेल वाला खा लिया तो आलस्य लगता है, वैसे अगर आपने मन में ये चटपटी चीजें रखी और औरों के मन में चटपटी चीजें आपने फैलाई, तो आपका मन भी भारी हो जाएगा, परमात्मा से मेडिटेशन नहीं हो पाएगी आपकी। परमात्मा कहते हैं ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप। अगर किसी से आपने ये सुना, आपने बोला देखे जरा क्या बातें कर रहे हैं, किसके बारे में बातें कर रहे हैं, और आप वहां पे बैठ गए, अच्छा ऐसे किया उसने, ऐसे किया, ऐसे ऐसे कर सकता है, ऐसे भी कर रहा है, अच्छा, आपके ऊपर पाप बढ़ रहा है। क्यों पाप बढ़ रहा है? क्योंकि आपने व्यर्थ बातें, इम्प्योर बातें मन में डाल दी। मन मंदिर है, मन को मंदिर जैसे रखना है। अब पवित्र बातें रखोगे तो मंदिर क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो माइंड को प्योर रखना है, माइंड इज योर टेम्पल। मन को अगर अपवित्र किया तो पाप चढ़ गया है ना, तभी तो हम मंदिर को साफ करते हैं, लेकिन मन रूपी मंदिर को साफ करना अब सीखना है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों पर उससे ज्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब
बाप समान व संपन्न बन सकेंगे। औरों की जो भूलें हुई हैं, औरों की गलतियां, वही हम अगर फैमिली मेम्बर्स को बात सुनाते हैं, कभी कभी होता है ना, हम अपने रिश्तेदारों की बातें अपने फैमिली मेम्बर्स को सुनाते हैं, तुम्हारे तो ऐसे हैं, तुम्हारे तो वो ऐसे हैं, तुम्हारे तो ये, इन्होंने ऐसे किया, और हम खुद भी भारी होते हैं औरों को भी भारी करते हैं, बहुत बड़ा पाप है। उसके बाद आप मेडिटेशन करके दिखाओ जरा, उसके बाद में आप परमात्मा को याद करके दिखाओ जरा, ऐसे मन के साथ में। तो मन मंदिर हो, वहां पे दिया जलेगा ही नहीं। मन मंदिर जहां पे पाप हो रहा हो, जहां पे मैलापन हो, जहां पे कूड़ा कचरा रखा हो आपने इन बातों का, वहां पे दिया जलेगा नहीं, वहां पे लोग ही नहीं आएंगे, वहां पे दुआएं नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको सीखना है कि कैसे हम अपने मन मंदिर को साफ करें और कैसे इन चीजों से हम व्यर्थ बातों से दूर रहें, तो आपको ब्रह्म कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के इस 7 दिन का कोर्स करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ओम शांति।